हेलो फ्रेंड, आज ना मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए और अचानक से जब वो आए तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उनके लिए स्पेशल क्या बनाऊं। और आपने भी रेसिपीज में देखा होगा कि मैं कुछ ना कुछ नई चीज बताती रहती हूँ जो फटाफट जल्दी से बन जाए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। लेकिन उन चीजों को बनाने के लिए भी ना मेरे पास उस वक्त घर में सामान नहीं था, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना किया मैंने और जल्दी से उनसे बात करते करते वो स्नैक्स बनकर तैयार भी हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला। तो आपके साथ भी जब सिचुएशन आती हो, आपके घर में भी जब अचानक से मेहमान आ जाते हो, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत कम टाइम में मेहमानों से बात करते करते आप इन स्नैक्स को बना सकेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार सी रेसिपी को। तो इन स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 ये कच्चे आलू लिए हैं, इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। यहाँ पर ये जो आलू है ना, इनका छिलका मोटा है, तो इसका सबसे पहले हम छिलका उतार लेते हैं। अगर आपके पास पतले छिलके वाले आलू हैं तो आप इन्हें बिना छिलका उतारे भी बना सकते हैं, बस अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और बिना छिलके उतारे भी ये स्नैक्स खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सबका पहले छिलका निकाल लेती हूँ और इनको अच्छे से हम क्लीन कर लेते हैं। अब इसे बीच में से हम कट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इनके कॉर्नर्स को ना ऊपर की तरफ से मैंने कट कर दिया है ताकि ना स्नैक्स की शेप अच्छी आ जाए, सिर्फ इसलिए। अगर आप चाहें तो बिना कट किए भी इन्हें ऐसे सिंपली कट कर सकते हैं, आपको कॉर्नर से इनको काटने की ऊपर से बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी शेप के लिए मैं इन सबको काट रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से इन सब के ऐसे पीसेस बना लिए हैं। अब ये बिल्कुल कच्चे आलू हैं, तो अब करना ये है कि हमें एक बर्तन लेना है और इसके अंदर हमने जो आलू कट किए थे वो सारे आलू इसमें डाल देने हैं। ये स्नैक्स खाने में जितना टेस्टी लगते हैं ना, बनाने में उतने ही ज़्यादा आसान भी हैं। अब इसमें 1.5 ग्लास के करीब मैं पानी डाल रही हूँ। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1.5 ग्लास ही पानी डालना है। हमने 3 आलू लिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें मैंने हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा इसमें नमक डाला है। हल्दी हमने इसलिए डाली है ताकि स्नैक्स में एक अच्छा कलर आए, और नमक का यूज़ हमने इसलिए किया है ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। अब हमने इसको गैस पर रख दिया है और 2 मिनट तक बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। आलू थोड़ा सा गर्म है अभी ज़्यादा, तो इसलिए मैं चाकू से इन्हें कट करके दिखा रही हूँ, तो ये थोड़ा आसानी से कट जा रहे हैं, कच्चे आलू की तरह टाइम नहीं लग रहा है इन्हें काटने में। अब इन्हें एक प्लेट में हमने निकाल लिया है, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ना कि ये आलू अच्छे से हाथों से अब कट सकते हैं, ठंडा हो गए हैं। क्योंकि ये देखिए, इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस 2 मिनट तक इन्हें फुल फ्लेम करके आपको बॉईल कर लेना है, बस इतना ही हमें सॉफ्ट करना है। अब इसके ऊपर से थोड़ा क्रश की हुई कसूरी मेथी छिड़कनी है ऐसे, कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी नमक यूज़ किया था। थोड़ा चाट मसाला डालना है, चाट मसाले की जगह आप और कोई मसाला भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा इसमें ऑरेगानो डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं 1.5 चम्मच करीब डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हाथों से ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स आपको हाथों से ही करना है, तभी कॉर्नफ्लोर अच्छे से इनमें कोट हो सकता है। अगर आप चम्मच से करेंगे ना तो ये अच्छे से कोट नहीं होंगे, तो आपको हाथों से ही इनको कोट करना है। अब हमने कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और ये कोट किए हुए जितने भी आलू हैं ना, ये सब इसमें डाल देने हैं, जितना आपकी कढ़ाई या बर्तन पैन में आ सके उतना, और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करना है। तो धीरे धीरे करके इनको पलटते रहें, और जब आपको लगे कि ये हल्के से ब्राउनिश हो गए हैं तो आप इनको ना लगातार चलाते रहें। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस इनको 2 से 3 मिनट तक आपको इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आपको नहीं करनी है। आप देख रहे हैं इनमें हल्का सा ना ब्राउनिश कलर आ गया है, तो इनको निकाल लेते हैं। इन स्नैक्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सिंपल से घर के मसालों से और आलू से आप ये स्नैक्स कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से कोई भी गेस्ट आपके घर में आ सकता है, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से कोई भी गेस्ट आ जाता है, तो मैं अक्सर कुछ ना कुछ उनको स्नैक्स टाइप से कुछ भी बनाकर दे देती हूँ। तो अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाय बाय।